तो दोस्तों आज के बाद आपको ऐसी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपको ये देखना पड़े कि घर बैठे पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ वो लेजिट चीजें जिसे सच में लोग अप्लाई करके घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। इवन लोग नहीं, बच्चे 7 से 6 साल और इवन 5-5 साल के बच्चे अब तो लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑन द इंटरनेट घर बैठे। तो अगर आप एक एडल्ट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या एक 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या आप जो भी हो, आप एक जॉबलेस इंसान हो या जॉब करते हो, तब भी आप इंटरनेट से बहुत ही ज्यादा पैसे बना सकते हो। और गाइज ये मैं कह नहीं रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। आपको आज इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आज तक लोगों ने आपको बता ही नहीं होंगी। इवन मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, इवन ये भी बताऊंगा आपको कि आप क्या कर सकते हो और कैसे आपको तेजी से पैसे मिल सकते हैं। तो गाइज अगर आप हमेशा ये सर्च करते रहते हो कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, कब कमा सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो प्लीज आज से ये सब बंद कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है किसी भी और वीडियो को देखने के लिए। बस शर्त ये है कि आपको एक एक स्टेप सही से देखना है, प्लीज आपको सही से देखना। अगर आपको सच में पैसे अर्न करने हैं तो अच्छे से देखना और उनके साथ भी शेयर करना जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा साइड बाय साइड कुछ कुछ पैसा कमाते रहे और अपना जो दिनचर्या है और अपना जो लाइफ है उसको चला। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिस बच्चे ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए में कमाई की है सिर्फ एक साल में, और वो बच्चा है ये जिसका नाम है रायन स्टॉयज। गैस बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, गैस ये एक ऐसा बच्चा है जिसने $22 मिलियन, यस गाइस, ना कि INR, $22 मिलियन सिर्फ अपने एक चैनल से कमाया है ऑन यूट्यूब। $22 मिलियन, $22 मिलियन कितने होते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो $1 मिलियन 70 लाख रुपए इन INR इंडियन करेंसी में होता है। तो अब $22 मिलियन को आप कैलकुलेट कर दो कि कितने करोड़ रुपए इसने सिर्फ एक चैनल से एक साल में कमाए हैं जिसकी आयु, जिसका एज सिर्फ 7 साल है। सिर्फ 7 साल इस बच्चे ने इतना पैसा कमाया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके गूगल में सर्च करो, आपका इस बच्चे का नाम टॉप में आएगा। $22 मिलियन इन 1 ईयर। और इस बच्चे के पास एक चैनल नहीं है, इस बच्चे के पास 2 चैनल है, 3 चैनल है और 4 चैनल है जिसमें ये सिर्फ टॉयज के बारे में बातें करता है, टॉयज से खेलता है और आजकल मारपीट भी करता है दूसरे बच्चों के साथ, और ये इतने पैसे कलेक्ट करता है। सिर्फ एक चैनल की बात कर रहा हूँ और इसके पास 3 चैनल और अलग से हैं, मतलब 4 चैनल है टोटल। तो आप सोच सकते हो इसको कितना पैसा मिलता होगा। प्लस सबसे बड़ी चीज, ये स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं इसको बहुत बड़े बड़े ब्रांड से, और अभी इसने ये भी चीज स्टार्ट कर दी कि ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है किंडन जॉय, जो एक चॉकलेट आती है उस कंपनी का। 7 साल की आयु और ये अपने पूरे खानदान को और उनके खानदान को और उनके खानदान को सबको अकेले ही पाल सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है आज के समय में इंटरनेट। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था इस उदाहरण से, और कुछ मैं आपको इससे नहीं समझाता। अब हम चलेंगे और बात करेंगे कि आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिससे अगर आप आज से ही इंप्लीमेंट करते हो तो 100% आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो, अगर नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे। 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होगी जो आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करेगी अगर आप एक्शन लोगे तो, ठीक है। 7 से 8 मिनट अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते तो आई थिंक आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते। 7 से 8 मिनट बहुत ज्यादा वैल्यू दूंगा, 100% आपको लिख के देता हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बोलूंगा, अगर आप बहुत पैसे बनाना चाहते हो घर बैठे बैठे और एक बहुत बड़ा अंपायर बनाना चाहते हो, तो YT मतलब यूट्यूब। गाइज देखो, अब आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बताऊँ क्या नहीं करूँ क्या नहीं करूँ। देखो आजकल लोग व्लॉग करके पैसे कमाते हैं, व्लॉग करके, ठीक है। आजकल लोग बच्चे को खिला रहे हैं, ठीक है, और लुलु 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 ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, और उससे पैसे कमाते हैं, ठीक है। लोग काम करने जाते हैं, ठीक है, कोई पायलट है, कोई डॉक्टर, काम करने जा रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं ऑन यूट्यूब, प्लस फेमस भी हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप लोग के पास कंटेंट की भरमार है। क्या है कंटेंट की भरमार? आप एक
जॉब करते हो, कहीं पर जाते हो, 2 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे लगते हैं, इन इसके बीच में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो लोगों को दिखा सकते हो। गाइज याद रखो, लोगों को YouTube देखना बहुत ज्यादा पसंद है, लोगों को दूसरे की लाइफ में झांकना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। गाइज ये बहुत बुरी बात है, लेकिन गाइज मैं बताऊं, इंडिया में ये बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए व्लॉग बहुत ज्यादा इंडिया में चलते हैं। लोग घुस घुस के देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो प्लीज आप रास्ते में जाते हो, वीडियो शूट करो, कुछ भी शूट करो, जो चल रहा है रास्ते में शूट करो, डाल दो, कंटेंट बनाओ, डाल दो, ठीक है। पढ़ाई कैसे करते हो आप, घर में जाके वो दिखाओ लोगों को, मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ, डाल दो, ठीक है। हाउस वाइफ हो, आपके पास बच्चा है, बच्चे को खिलाओ खुलाओ, डाल दो, खिलाते हुए डालो, खाना खिलाते हुए डालो, या उसके साथ खेलते हुए डालो, कुछ भी डाल दो, चलेगा। इवन आजकल लोग दूसरे की वीडियो पे है, हाँ हूँ, हंसते हैं और बोलते हैं कि हमने इस वीडियो को रिव्यू दिया, और उठा के डाल देते हैं। लोग आते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, और वो लाखों रुपए कमा देते हैं। लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो लाखों रुपए कमा जाते हैं। तो देखो आप कितनी चीजें कर सकते हो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। अगर मैं दोनों का उदाहरण दे दिया हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक स्टूडेंट और हाउसवाइफ, ये लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप कुछ भी शूट करो, आप कॉलेज जाते हो, कोचिंग जाते हो, अपने टीचर पे रिव्यू दे दो, किसी सब्जेक्ट पे रिव्यू दे दो, या कुछ भी उठाओ उस पर रिव्यू स्टार्ट कर दो। अगर एक हाउसवाइफ हो आप, तो आप कुछ भी, एक गर्ल्स के पास तो कंटेंट की भरमार है, कुछ भी चीजें, मेकअप वेकअप जो उठाना है उठाओ और उठा के डालने लगो। जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाओ, कुछ भी, मतलब ऐसे बोर्ड दिखाओ, या तो आप कुछ स्लाइड शो चला दो उस पे दिखाओ, आपको पैसे मिलेंगे और मोनेटाइजेशन भी होगा, 100% होगा। मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा कैसे मोनेटाइजेशन अनेबल होगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगी और बहुत सारी चीजें मिलेगी जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहला तरीका अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर सच में अर्निंग करनी है ऑनलाइन से, तो यूट्यूब पे आओ। जो दूसरा तरीका है गाइज, वो मैं आपको बताता हूँ अब। गाइज जो दूसरा तरीका है, और वो है फेसबुक। गाइज देखो, गूगल और YouTube के बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल और YouTube के बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं फेसबुक। फेसबुक पे आप क्या कर सकते हो, वही चीज जो आप YT पे कर रहे हो। फेसबुक पे अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करो, कोई भी मीम बना दो उस पे स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप एक पेज बिल्ड नहीं कर पा रहे, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग आ रहा है अपना IPL आ रहा है, ठीक है, या ट्रेंडिंग आ रहा है अपना वर्ल्ड कप आ रहा है, या ट्रेंडिंग आ रहा है अपना 2019 का वोटिंग आ रहा है, तो आप इस पे चैनल बना दो, पेजेस बना दो, आप इस पे ग्रुप्स बना दो, ठीक है। ग्रुप्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, और अपने सारे दोस्तों को ऐड कर दो और उसमें डेली पोस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें पैसे कैसे करेंगे, तो उसको मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आपका ग्रुप बढ़ेगा, तो आप उसमें स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें प्रमोशन, लोगों लोगों की कंपनी का, लोगों का प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पार्टी का, आप किसी भी पार्टी से जाके बात कर सकते हो कि हम आपका, जो भी आपकी लोकल में आसपास लोग रहते हैं, भैया भैया जिनको आप बोलते हो कि ये खड़े हो गए हैं, वो खड़े हो गए चुनाव पे, तो उनसे आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो, आप अपना उनका एडवर्टाइजमेंट करोगे अपने ग्रुप में, पेज में, आप इतने पैसे दे दो, 100% लोग दे देते हैं, ठीक है। वो लोग बच्चों को पैसा देते हैं पैम्पलेट वम्पलेट बांटने के, तो आपको 100% देंगे अगर वो समझेंगे इंटरनेट की पावर। तो ऐसे करके आप फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हो, अलग अलग ब्रांड से। अगर मीम का पेज है, तो आप टी शर्ट वी शर्ट क्या बोलते हैं, शूज, टी शर्ट एंड कोई भी चीजें जो ट्रेंडिंग में चलती हो, जो युवाओं को पसंद हो, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पसंद हो, तो वो सारी चीजें भी आप सेल करके फेसबुक से काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। जो तीसरा, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग तरीका है, मैं आपको वो बोलूंगा, टिकटॉक। देखो गाइस, टिकटॉक में कोई भी आजकल हीरो बन जा रहा है, लोग यहाँ बहुत हार्ड बोल के हीरो बन जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा क्यों नहीं आप ट्राई कर सकते, आप भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी बनाओ लेकिन बनाओ, ठीक है, कुछ भी बनाओ लेकिन बनाओ। क्या बनाना है आपको, कुछ नहीं करना, वहां लिपसिंग ही करनी रहती है, कुछ भी करो, खेलते वेलते गिर पड़ जाओ, गाड़ी वाड़ी चलाओ, रास्ते में शूट कर दो, गाने पे डाल दो, क्या होगा, आपको थोड़ी फेम मिल जाएगी। फेम मिल जाएगी तो आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। आपको पता ही होगा, टिकटॉक पर लोग अगर आपके काम से खुश होते हैं, तो आपको कुछ कॉइन्स सर्व करते हैं, ये तो एक तरीका है। लेकिन वहां से आप फॉलोइंग ला के अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, और उन फॉलोइंग से, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। टिकटॉक एक जरिया है ट्रैफिक जनरेट करने का, तो टिकटॉक पे भी आप
वीडियोस बना के काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। आजकल तो लोग स्पॉन्सरशिप भी देने लगे हैं टिकटॉक पे, तो वो भी एक तरीका है अर्निंग करने का, तो ये चीज आप कर सकते हो। चौथी जो चीज है गाइस वो एफिलिएट मार्केटिंग, वन ऑफ द बेस्ट। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको पता ही होगा पूरा चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है एफिलिएट मार्केटिंग की, आप उस पर देख सकते हो। लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पर एक बस आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। गैस ये होता है कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाते हो, वो कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है, डेट इज कॉल्ड एफिलेट मार्केटिंग। पांचवा जो चीज है गैस वो चीज होगा गैस सीपीए मार्केटिंग, मैं बोलता हूँ उसको, लेकिन इंडिया में उसको बोला जाता है सर्वे बेस वेबसाइट। देखो गाइस क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको चूतिया बना रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत बड़ा चूतिया काट रहे हैं। जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं कि इस वेबसाइट पे जाओ वहाँ सर्वे कंप्लीट करो आपको पैसा मिलेगा, उस वेबसाइट पे जाओ वहाँ सर्वे कंप्लीट करो पैसा मिलेगा। मैं बोलूंगा कि इसको बोलते हैं सीपीए मार्केटिंग। गाइस अगर आपको सच में सर्वे बेस वेबसाइट पे काम करना है तो सीधा जाओ सीपीए मार्केटिंग मैक्स बॉन्टी पे रजिस्टर करो, और पूरे जितने भी सर्वे वाली चीजें हैं उनका एड्स रन करो प्रॉपर वे से। पूरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, ढूंढ लो, बहुत सारी सीपीए वीडियोस हैं चैनल पे पड़ी हुई है, मैक्स बॉन्टी पे पड़ी हुई है, मैक्स बॉन्टी के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हुई है। सर्वे वेबसाइट उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो वहां मिलती है। वहां क्या करते हैं, सर्वे का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करना अपने बारे में या किसी और के बारे में, उसी को सर्वे बोलते हैं। तो वही सारी चीजें जो है वो मैक्स बॉन्टी और सीपीए मार्केटिंग में प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो आप यूज करके बहुत अच्छा पैसा जब जनरेट करना चाहते हैं तो सही जगह जाओ और वहां से चीजों को पिक करो, वहां से काम करो, तो आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये चीज सही जगह अप्लाई करो तो पैसे मिलेंगे। आप कोई भी सर्वे वेबसाइट पे जाओगे जो आपको पैसा देगी नहीं देगी, आप उस पर काम कर दोगे पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा। इसलिए मैं बोलूंगा सीपीए मार्केटिंग इज द बेस्ट। सिक्स जो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए भी अच्छे वैल्यूएबल है और मैं भी उस पर ध्यान दे रहा हूँ और आगे देने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड इंस्टाग्राम। गाइज इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर बिजनेस। यस इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर बिजनेस, बार बार बोलता हूँ मैं, आज भी बोल रहा हूँ। इस पे रिसेंटली मैंने दो वीडियोस बनाई थी जो आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप नए हो चैनल पे या अभी तक आपने नहीं देखा है। पहली ये और दूसरी ये, आज से 2 दिन पहले और एक 5 दिन पहले, ये दोनों वीडियोस को आपको जाके वॉच करना है अगर आप एग्जैक्टली पैसा बनाना चाहते हो और इंटरनेट घर बैठे यूट्यूब और फेसबुक के बाद, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में जिसको बोलते हैं इंस्टाग्राम। गाइज इंस्टाग्राम पे मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, पूरी डिटेल से चीजें बताई हुई है कि कैसे आप बना सकते हो। अभी रिसेंटली मुझसे क्वेश्चन किया एक बंदे ने कि कैसे वो मीम साइट्स पे कौन सी चीजें बेच सकता है, तो एक एडवाइस भाई आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, और जिनको जानना है वो भी जान लो। मीम्स की पेज पे आप कुछ भी सेल कर सकते हो क्योंकि वहां ज्यादातर इंडियन यूथ, मतलब हमारा जितना भी यूथ है वो हम लोग ही होते हैं वहां, ठीक है। तो क्या है वहां, क्या सेल कर सकते हो आप, मोबाइल सेल कर सकते हो, आप वॉचेस सेल कर सकते हो, आप टी शर्ट सेल कर सकते हो, आप कुछ भी जो जॉगर्स वॉगर्स जो भी मतलब यूथ यूज करता है वो चीज को आप वहां पर सेल कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था इंस्टाग्राम से रिलेटेड, वो ये था कि सर मैंने सुना है कि स्पॉन्सरशिप भी मिलता है। गाइस स्पॉन्सरशिप हर जगह मिलता है, अगर आपके पास नेटवर्क है तो स्पॉन्सरशिप मिलेगा। 2,000 1,000 3,000 फॉलोअर में आपको स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिलेगा, और एग्जैक्टली वही चीज मैंने इस वीडियो में समझाया कि आप लेस देन 1K फॉलोअर मतलब 1,000 फॉलोअर से भी कम में कैसे पैसे बहुत ज्यादा लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हो ऑन इंस्टाग्राम अगर आप ये चीजों को अप्लाई करते हो। तो मेरा जो वीडियो था वो इसके ऊपर था कि आप कैसे कम से कम फॉलोअर में इंस्टाग्राम पे पैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, और अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए हाँ तो अपनी फॉलोइंग को बढ़ाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉलोइंग को बढ़ाओ। इस पे अगर आपको पेड वीडियो चाहिए होगा कि आप पेड कैसे करके मतलब पैसे कैसे लगा के बहुत तेजी से ग्रोथ पा सकते हो तो मुझे नीचे कमेंट करना। अगर 10-15 कमेंट्स आए तो पक्का मैं उस पे वीडियोस बना दूंगा, और बहुत तेजी से ग्रोथ होता है इंस्टाग्राम अगर आप पैसे दे दे के ग्रोथ करवाते हो तो। बिल्कुल लेजिट, बिल्कुल अच्छा होता है, मतलब लेजिट आपके फॉलोअर्स रहते हैं, जेन्युइन रहते हैं, और काफी तेज भी ग्रोथ होता है। और लास्ट जो सातवां आपको तरीका मैं बताऊंगा और इंटरनेट से अर्न करने का गाइस, वो ये चीज मैं बोलूंगा गाइस जो बहुत कम लोग अभी इस समय आई थिंक इंडिया में देख रहे हैं, और मतलब अभी तक ये लोग दो चीज एक और नाम से इसको जानते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ठीक है, आप बोलोगे कि इंडिया में फ्लिपकार्ट है, ठीक है,
अमेजॉन है तो हम लोग ई कॉमर्स कैसे चला सकते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग भी सही है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग में वो एक दूसरी कंट्री से सामान उठा रहे हैं कम पैसे में और यहाँ पर लाके बेच दे रहे हैं। ठीक है, एक कंट्री से सामान उठाई दूसरी कंट्री में लाके बेच, ज्यादातर जो सामान है वो चाइना से आ रहा है। ठीक है, अली एक्सप्रेस एज यू नो, ठीक है, अली एक्सप्रेस से सामान उठाते हैं, यूएस में ज्यादातर बेचते हैं। ठीक है, इंडिया में थोड़ा भी प्रॉब्लम है ई कॉमर्स का, लेकिन आने वाले समय में ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाला है। तो ये तो एक तरीका हुआ आपका, ठीक है, जिसको आप ड्रॉप शिपिंग बोल दिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे तरीके हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, जैसे कि भुवन बम, तो वो अपना एक मर्चेंट चलाते हैं। ठीक है, हुतियापा आई थिंक उनका मर्चेंट का नाम है, आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। तो हुतियापा, तो हर बंदा ठीक है अपना अपना मर्चेंट चला रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, वो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा फैन बेस होना चाहिए, बहुत बड़ा नेम होना चाहिए, तभी आप ई कॉमर्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, आप एक हाउसवाइफ हो, एक बिजनेसमैन हो, एक एम्प्लॉय हो, एक स्टूडेंट हो, आप भी ई कॉमर्स चला सकते हो। ठीक है, सबसे रूल, सबसे सही रूल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी ई कॉमर्स पे जाना है तो आप वो बेचो जिस चीज से आप प्यार करते हो। अगर मैं एक फोन से या एक पेन से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ ये फोन, ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूँ, तो मैं इसको इजी सेल कर सकता हूँ किसी को भी। ठीक है, किसी को भी, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है गाइस सेलिंग में। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट को सही से जानते हो उसको ही आप सेल कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, और ई कॉमर्स में ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। कहाँ? फर्स्ट लेवल पे, मतलब एक नीश को सिलेक्ट करके, मतलब एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और अगर आप बिगिनर हो तो वहां ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, और एफिलिएट मार्केटिंग में भी ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर आप एक बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो किसी टी शर्ट के बारे में या किसी भी डिश के बारे में या कोई भी सर्विस के बारे में, तो वो आप ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हो अपने सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, अपने फेसबुक पे एड रन के रन करके, इंस्टाग्राम पे एड रन के, कोई भी एक वेबसाइट बनाओ, वहां पर चीजों को लिस्ट कर दो, कहीं से खरीदो और वहां से सेल करना स्टार्ट करो। देखो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, यहाँ ऐसे जगह है जहाँ चीजें, कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। ठीक है, उन कपड़ों को आप लाके अपने ई कॉमर्स पे लिस्ट कर दो और उसका एड रन करो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके और सेलिंग स्टार्ट करो। ऐसे करके आप ई कॉमर्स रन कर सकते हो। क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाओ, वहां से पैक करो, भेज दो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको ड्रॉप शिपिंग के रूप में कर सकते हो। तो ये जो 7 चीजें मैंने बताई ये बिल्कुल लेजिट वे है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। जो आपको शॉर्टकट्स बताते हैं वो सब स्कैम्स होता है। मेरे दोस्तों मैं बता दूं, ये जो 7 चीजें बताई हैं मैंने, ये मिलियंस ऑफ डॉलर की चीजें हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इन 7 चीजों से ऑनलाइन में कमा रहे हैं, और इनसे ज्यादा सक्सेसफुल तरीके हैं ही नहीं ऑनलाइन में। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं ये वीडियो को डिलीट कर दूंगा। चैलेंज देता हूँ आपको, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो मैंने आपको इन 7 टॉपिक्स में कवर नहीं की जो अभी बूम पे है। इन 7 तरीके से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सी गारंटी, वारंटी, एग्जाम्पल, सब कुछ मैं आपको दे सकता हूँ और गूगल भी आप करके जान सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, और जिनको जरूरत है समझना है कि घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे लिखो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आपके मोबाइल पे और पीसी पे मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।